उस विषय में मुझे एक शोध लेख लिखना था गुरु जी, हाँ लिखिए। तो उस विषय में गुरु कुछ थोड़ी कुछ जानकारी कहाँ के रहने वाले थे और कैसे इनका संक्रमण गुरु भारतवर्ष में इनका हुआ और इनके अधिक विद्याओं का गुरु कैसे हमारे संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, हमने उनको कैसे अपनाया। ज्योतिष में गुरु बहुत सारे शब्द जो है इनके तथावत उद्धृत हैं, पड़पर सही हुआ, आपोपनिंग हुआ, गुरु दृक्काण हुआ, गुरु जी सही सुनफा अनफा दुर्धरा के मद्रुम इत्यादि गुरु बहुत सारे शब्द हैं, क्रीता गुरु जी तुम कुलीर ले पाथो न, सही ऐसे करके गुरु जी राशियों के संज्ञाएं भी गुरु जी सही यूनानी भाषाओं से गृहित है। गुरु जी सही तो इनका गुरु जी संक्रमण काल कब रहा, कैसे इनका भारतीय संस्कृति पर गुरु जी इनका प्रभाव हुआ गुरु जी, और ताजिक पद्धति इन्होंने एक वर्ष प्राचीन ईरान का, जी ठीक है ना, तो यहाँ से, अफगानिस्तान के आगे हाँ, गुरु जी का। जो जहाँ आज ईरान है, जी कभी जी इसको आयरन कहते थे, अच्छा हाँ, उस जी आयरन वैज़ह उसका नाम था, तो उसी का नाम आयरन फिर ईरान हुआ। 1935 तक उसका नाम फारस था, 1935 में उन्होंने नाम फिर से बदला, अच्छा जो आर्यायन का नाम रह गया, ठीक जी जी है ना। तो वहां से एक तेहरान यूनिवर्सिटी में अकबर दारयूश है, यहाँ पर एक बार आए हुए थे, ठीक अच्छा है ना। तो मतलब कि हमारे यहाँ के राजाओं का और वहां के जो बादशाह होते थे उनके बीच में विद्वानों का विनिमय होता रहता था, अच्छा ठीक है ना। तो जी इसीलिए कई संस्कृत के ग्रंथ वहां पर उनका अनुवाद हुआ, ठीक है ना। यहाँ तक कि पहला विदेशी भाषा में पंचतंत्र का भी अनुवाद पहलवी में हुआ, अच्छा जी ठीक है ना, जो कि जी ईरान की भाषा थी। तो ये संबंध सदैव वहां के विद्वान यहाँ आते रहे और यहाँ के ग्रंथों का वहां वहां के भाषा में अनुवाद अनुवाद होता रहा है। करते रहे, ठीक जी है ना। तो जी इसी परंपरा में ये ग्रंथ सब वहां पर उनका अनुवाद करके गए, ठीक है ना। जी जी उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद वही शब्द, तो जब वो इस प्रकार आदान प्रदान की प्रक्रिया कर रहे थे तो उनके यहाँ का भी जो ज्ञान था तो यहाँ के लोगों को उन्होंने उसका विनिमय किया, अच्छा जी ठीक है ना। तो इस प्रकार से जा करके प्राचीन ईरान और भारत से संबंध पर एक मैं आपको पुस्तक बताऊंगा, जी ठीक है ना। आज शाम शाम तक का समय दीजिए, क्योंकि जी उस समय मैंने उसको देखा हुआ था। और अकबर दारयूश से भी आप अगर संपर्क करें, उसका एक लेख है, हाँ, अच्छा ठीक है ना, तेहरान यूनिवर्सिटी में अकबर दारयूश, ठीक है जी ना। तो जी भारतीय उसको इसी पर पीएचडी है, हाँ यहाँ भारत से, हाँ, और ईरान का अंतर हाँ संबंध अंतर जी। संबंध पर कि, और यहाँ पर उनका भाषण भी था, रिकॉर्डेड भी है, लेकिन अब पता नहीं कहाँ होगा, भगवान जाने, त्रिपाठी जी ने रिकॉर्ड करवाया था। हाँ, तो अगर वो मिल जाता, और नहीं तो मैं आपको पुस्तकें बताऊंगा दोनों की। एक जीसी त्रिपाठी जी का इस प्रकार का लेख है, दयाचरण त्रिपाठी जी का, उस लेख को भी मैं कह दूंगा, वो दे देंगे, आपके काम में आ जाएगा, है तो अंग्रेजी में, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये किस शताब्दी के बाद बात हो गई, क्या ये मतलब ईसा पूर्व ये होगा गुरु जी का। ईसा ईसा पूर्व से ही संबंध रहा, ये तो यही तो मैं देख रहा हूँ। प्राचीन जो खखा मनीष वंश का शासन था, उनकी जो भाषा थी वो बिल्कुल संस्कृत से मिलती जुलती थी, अच्छा जी ठीक है ना। तो जो प्राचीन फारसी शिलालेखों में उनका उनका जिक्र मिलता है, ठीक है ना। दारयूश वही, उसी के नाम पर मतलब इस आधुनिक लोग भी ने भी दारयूश अपना नाम रखा हुआ है, धारेध्वस उसका संस्कृत रूपांतर होगा। तो वहां से लेकर के उनके वंश में और आगे बाद में, तो उनका यहाँ पर संपर्क था, ठीक है ना। और उसके बाद वो नौशेरवा के जमाने में पहलवी का में इसका अनुवाद हुआ। तो वो अनुवाद की परंपरा लगभग, मतलब कि पहले तो सीधे हखामनिस पीरियड के बाद, और उसके बाद जब इस्लाम के फैलने के पूर्व तक वहाँ के जो राजे महाराजे थे, ठीक है ना, उनके बीच में यहाँ से संपर्क था। जब इस्लामी क्रांति वहां हो गई, फिर उसके बाद तो फिर धीरे धीरे, और तब भी होता रहा,
लेकिन वो अवरुद्ध हो गए हैं जी जी है ना। तो जब तक इस्लामिक क्रांति नहीं थी हुई थी तब तक तो वो भी आ रहे थे ना जी ईरान के लोग। ठीक है, सनातन परंपरा के ही पोषक वो लोग भी थे कि कुछ दूसरे संप्रदाय विशेष थे, थोड़ा विशेष वैशिष्ट तो वहां पर भी है जी। देवता वही है ठीक है ना, वो लोग असुर की उपासना करते थे। असुर जो है यहाँ पर विष्णु को भी असुर कहा गया है, वरुण को भी असुर कहा गया है, रुद्र को भी असुर कहा गया है। अच्छा जी ठीक है ना। और बाद बाकी जो हमारे यहाँ की लक्ष्मी वहाँ अशी थी, हमारे यहाँ की सरस्वती वहाँ अनाहिता थी जी जी ठीक है ना। इस प्रकार से मित्र भी वही थे ठीक है ना। नासत्य मतलब इनका अशिनों का विशेषण है, नांगहित्यो वहां पर ये शब्द भी मिलता है जी जी ठीक है ना। कभी कभी कोई चीज जैसे इंद्र को वहां पर दुरात्मा माना गया है। अच्छा ठीक है ना जी जी। शर्व को शिव का विशेषण है लेकिन वो वहां पर उसको अच्छा नहीं मानते जी जी ठीक है ना। तो थोड़ी सी यश्न मतलब जो यज्ञ कर्म है वो यहाँ वहां पर होता था ठीक है ना। उनको वो भी अग्नि आधान होता था, अग्नि उपासक थे ठीक है ना। तो इस प्रकार से देवताओं को आहुतियां प्रदान की जाती थी, मतलब ये कहते हैं कि उनके यहाँ किसी का द्रव्य का प्रक्षेप अग्नि में नहीं होता, उसके सामने रख करके देवता को दे दिया जाता है जी जी ठीक है ना। और अग्नि अग्नि तो अग्नि को उनको सदैव प्रज्वलित रखते हैं, जैसे प्राचीन भारतीय ब्राह्मण अग्नि ध्यान होता था जी, अग्नि मतलब जब तक जीवन पर उनका वो, इसीलिए उनको तो अग्नि का मंदिर आतशगाह जिसको कहते हैं ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी और बाबा की जो नैतिक मूल्य लगभग वही थे जी ठीक है ना। और ऋत की उपासना वो भी करते थे, वेद भी ऋत को मानता है, वो भी ऋत को मानते थे जी जी। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा मतलब कर्मकांड की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से हमारे यहाँ प्रवर होता है, उनके यहाँ प्रवसीज होती थी। अच्छा ठीक है ना जी। तो सूक्ष्म शरीर मतलब कि जो पूर्वजों मतलब कि जो उनके यहाँ के महापुरुष थे ठीक है ना, उनका सूक्ष्म रूप जो होता है वो फ्रवशी के रूप में होता है। तो इस प्रकार के जैसे वहां देव का खराब अर्थ है ठीक है ना जी। और हमारे यहाँ असुर का खराब अर्थ हो गया बाद में थोड़ा जब ऐसी कथा मिलती है कि जो शुक्राचार्य थे उन्होंने गुरुजी भगवान अपने राक्षस वंश की क्या वृद्धि हेतु गुरुजी मखेश्वर की स्थापना की उन्होंने जो अफगानिस्तान में, सत्य बात है। और उन्होंने परंपरा आगे कहते हैं लेकिन अब इसमें कोई प्रामाणिक कहीं पर ग्रंथों में भविष्य इत्यादि पुराण में इस तरह का वर्णन नहीं है जी। मतलब दंत कथा या दंत कथा हो सकती है या कुछ भी हो सकता है जी जी। तो ये संबंध इनका बहुत पहले से रहा। तो इस प्रकार के ग्रंथों का अनुवाद बहुत हुआ है गणित के, और वो सबसे ज्यादा मतलब आयुर्वेद के ग्रंथों का, गणित के ग्रंथों का और मतलब ज्योतिष के विधा के ग्रंथों का ज्यादा अनुवाद हुआ है, कहानियों का, कथाओं का, वेद आदि का अनुवाद नहीं हो सका जी जी जी। ठीक है ना। उनका सर्वाधिक मतलब सबसे फोकस एरिया उनका मैथमेटिक्स, आयुर्वेद और ज्योतिष होता है। और वहाँ पर उन्होंने अनुवाद भी किया हुआ है और आर्यभट्ट को आज भी वो पूजते हैं। पाश्चात्य वाला जो ये अरब कंट्री देश ही है, अरब देश ही। अरब अरब और ईरान दोनों पूरा मतलब कि ईरान से लेकर के अरब तक जी। तो अरब में जो हुआ अरबी भाषा में हुआ जी, वही यूनानी भाषा वही है। यूनानी भाषा तो ग्रीक की भाषा है जहाँ पर इसमें कुछ जगह जैसे इत्युच्यते यवनाचार्येण पारस्या भाषाया, पारसी भाषा है तो पर्सियन लैंग्वेज है। तो यवन को मतलब उनके यहाँ जो भी भारत से बाहर है, मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, उसके पहले जो है सब यवन है जी। यवन तो रियल में तो यूनानी है ठीक है ना, लेकिन उनको जो भी बाहर से आता था, मुसलमानों को भी यवन कहते थे, पर्सियन को भी यवन कहते थे, जबकि रियल पर्सियन तो ही पक्के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है ना। अरब अरब के लोगों को आप यवन कह सकते हैं